वेलकम टू इंडियन मॉम्स डायरी। आज इंडियन मॉम्स डायरी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, बहुत छोटी और सिंपल और सुपर फन एक्टिविटी लेकर आई हूँ मैं। ये एक्टिविटी अगेन नंबर रिकॉग्निशन और नंबर काउंटिंग दोनों के लिए यूज़ होती है, कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। सुपर सिंपल, सुपर इकोनॉमी, आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है, हर चीज़ घर में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे हिट कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में जो चीज़ें हमें ज़रूरत हैं सिंपल तीन चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ डो या फिर क्ले। आपके पास अगर क्ले मौजूद है तो आप क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनकेस क्ले नहीं है तो आप यहाँ पर जो डो यानी कि मड़ा हुआ आटा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आगे देखेंगे मैंने इसमें यूज़ किया है आटे का और उसी डो की मैंने ये चीज़ें बनाई हैं जो आपको आगे देखने वाली हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए स्टिकर्स, नंबर स्टिकर्स जो बच्चों के पास बहुत सारे होते हैं, तो वो स्टिकर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपके पास स्टिकर्स नहीं है तो आप कागज़ के छोटे छोटे पीसेस काट के भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। अगर आप कागज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगेगी एक चीज़ एक्स्ट्रा, वो है स्केच पेन्स। और थर्ड चीज़ जो है वो मैंने इस्तेमाल करा है क्यू टिप, ईयरबड्स। आपके पास अगर ईयरबड्स या क्यू टिप नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ी की छोटी छोटी सीकें या फिर स्ट्रॉ जो कि बहुत आसानी से घर में मिलती हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करके और डिटेल में बताती हूँ। अगेन बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा इसमें जिससे बच्चों को भी फन आए। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले आप आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बना लीजिए बिल्कुल राउंड करके। इसमें मैंने जो नंबर टारगेट किया है वो 9 तक किया है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर 9 गोलियां। 9 गोलियां बनाने के बाद उन्हें छोटे छोटे पेड़े के शेप में, इस तरीके के शेप में आप उन्हें बना लीजिए। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर 9 छोटे छोटे पेड़े के शेप बना रखे हैं। अब इनके ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, इनके ऊपर हमें 1, 2, 3, 4 करके 9 तक स्टिकर्स पेस्ट करने हैं। ये स्टिकर्स पेस्ट आप देख रहे हैं मैंने अब राम से ही कराए हैं जिससे उसमें उसे फन भी आए। अब आपको ये छोटे 9 पेड़े या जितनी भी चीज़ें आप जितने भी नंबर आप टारगेट कर रहे हैं, या 1 to 5, 1 to 10 या 11 to 15, जो भी आप करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये ट्रे बच्चे को दे दीजिए, प्लस आपको बच्चे को देना है या तो ईयरबड्स, क्यू टिप, या आप उसे दे सकते हैं स्ट्रॉ या फिर लकड़ी, जो भी आपके पास रहता है। अब बच्चे को क्या करना है, नंबर देखना है, उस नंबर के रिस्पेक्टिव उसे वहां पे लगानी है ईयरबड। अगर 1 नंबर लिखना है तो उसमें लगाना है 1 ईयरबड, 2 तो 2 ईयरबड्स, 3 तो 3 ईयरबड्स। इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। इस एक्टिविटी से फायदा क्या है, सबसे पहली चीज नंबर रिकॉग्निशन, दूसरी काउंटिंग क्योंकि बच्चा काउंट कर करके स्टिक इंसर्ट करेगा, तीसरी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फाइन मोटर के लिए। प्री राइटिंग एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं, बच्चों को आगे लिखना सिखाना है उसके लिए फाइन मोटर स्किल्स इज रियली इंपॉर्टेंट। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी एक्टिविटी में बहुत अच्छा यूज होता है। तो जब बच्चा उसे पिक कर रहा है तो वो अपने इन 2 फिंगर्स का यूज कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी फाइन मोटर स्किल डेवलप करेगा उसके लिए। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो घर के ही सामानों से यूज़ हो पा रही है। आप एक चीज़ और, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मेरे डो का कलर येलो है, तो मैंने इसमें कोई बच्चों को हार्म ना हो इसलिए यूज़ करा है टर्मरिक। तो आप इसे थोड़ा सा टर्मरिक मिला के यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप इसे 1-2 प्ले और करा सकते हैं इन केस आपके पास डो नहीं है, और जैसे कि और आप बाद में इसे किसी एनिमल को भी फीड करा सकते हैं, तो ये किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाता है। तो ये एक बहुत सुपर सिंपल अच्छी एक्सरसाइज है, एंड आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो बच्चे के साथ ट्राई कीजिए। ट्राई करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन मॉम्स डायरी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी ये लॉकडाउन पीरियड या समर हॉलीडेज अपने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेरेंटिंग।